वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल ना करने पर इमाद वसीम ने चीफ़ सेलेक्टर इंज़ाम हक को करारा जवाब दिया है वो जवाब किस तरह का है इस पर बात करेंगे और उसके अलावा सिलेक्शन के हवाले से ख़ुद अपनी बातों में चीफ़ सेलेक्टर इंज़ाम हक फंस गए हैं कौन कौन सी गलत सिलेक्शन हुई हैं और किस कदर गलत हुई हैं और खुद जो उन्होंने कहा है अपनी ही बात में वो मान रहे हैं कि उन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं ये आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, आपके सामने स्टेट्स रखूंगा, और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इमाद वसीम की जिन्होंने अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी कारदगी से अपने बैट से अपनी बॉल से भरपूर जवाब दिया है चीफ सेलेक्टर इज़मा को जो कहते हैं कि इमाद वसीम की जो हालिया कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है उस लिहाज से एक तो उन्होंने कहा कि वो वनडे फार्मेट काफ़ी अरसे से नहीं खेले लेकिन दूसरी बात यह है कि इसी फार्मेट की वजह से ही वो ये कह रहे हैं कि हसन अली ने चूँकि लंका प्रीमियर लीग में कारकर्दगी अच्छी दिखाई थी इसलिए उनको लेकर आए हैं क्या लंका प्रीमियर लीग टेस्ट फार्मेट में खेली गई थी या वनडे फार्मेट में क्या इंजमाल हक़ यह बताना पसंद करेंगे और अगर टी ट्वेंटी फार्मेट में कारकर्दगी की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाता है हसन अली को तो फिर कैरबियन प्रीमियर लीग की कारकरदगी की बुनियाद पर क्यों सिलेक्ट नहीं किया जा सकता इमाद वसीम को ये वो सवालत हैं जो कि हर शायक क्रिकेट जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करता है उनके जहनों में ये सवाल है और बहुत कम अज़ कम तीन ऐसी सलेक्शन हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के शायकन क्रिकेट मायूस हैं उनके निगाह में ये गलत फैसले हुए हैं और पाकिस्तान को इसका खमियाजा वर्ल्ड कप 2023 में भुगतना पड़ सकता है इसका हम जरा जायज़ा लेते हैं एक तो कारकर्दगी की पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो कारदगी दिखाई थी इमाद वसीम ने वो सब के सामने है उनके कैरियर का बेस्ट सीज़न था पाकिस्तान सुपर लीग का अपनी बैटिंग से शानदार फॉर्म में रहे लेकिन अगर मौजूदा कारकरी देख लें अगर पीछे ना जाएं तो कैरिबियन पीमियर लीग में जो कि जिसका सिर्फ फाइनल मैच बाकी रह गया है और गुज्त मैच में इमाद वसीम की टीम जैम का तलावास हारने की वजह से आउट हो गई अगर उनकी कैरिबियन पीमियर लीग दो हज़ार तेईस में कारकरी देखें तो वो विट्टों के एतबार से छठे नंबर पर खड़े हैं छठे टॉप विकेट टेकर हैं और जो टॉप स्कोरर है उनसे जो टॉप विकेट टेकर है उससे सिर्फ दो विकटें पीछे हैं इमाद वसीम ने 11 मैचेस में 14 विकटें हासिल की हैं जबकि जो टॉप विकेट टेकर हैं वो 16 विकटें हासिल करने में कामयाब रहें सिर्फ दो विकटों का फ़र्क है और यह उनकी कारी देख लें कि हर विकेट के लिए सिर्फ उन्नीस रन दिए हैं औस्तन और शानदार बॉलिंग कारकरी का मुजाहरा कियाकनोमिकल बॉलिंग कराई इसके साथ साथ अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए तीसरे टॉप स्कोरर के तौर पर अभी सिर्फ फाइनल मैच से पहले अगर हम स्टेट देख लें वो तीसरे टॉप स्कोरर के तौर पर कैरिबियन प्रीमियर लीग 2023 का उन्होंने खात्मा किया 10 इनिंग्स खेले हैं और उनतालीस रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज और लगभग 130 के स्ट्राइक रेट से वो तीन रन बनाने में कामयाब रहे पंद्रह छक्के और तेईस चौके लगाए तो तीसरे टॉप स्कोरर वो खिलाड़ी हैं जो कि पांचवें या छठे नंबर पर बैटिंग करते हैं तो इसे आप अंदाज़ा लगाया जा सक लगा सकते हैं कि उनकी कारी का जो लेवल है चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग हो तो किस कदर शानदार है लेकिन इसके मुकाबले में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा पाकिस्तान के स्क्वाड में और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो वनडे क्रिकेट में प्रैक्टिस है वो ज़्यादा नहीं है तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। तो हसन अली किस कारदगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं अगर उनकी कारदगी की बात करें ए, लंका प्रीमियर लीग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें हक ने यह कहा था कि लंका प्रीमियर लीग में उनकी कारदगी बेहतर रही थी आपको बताऊँ कि लंका प्रीमियर लीग में पाँच मैचेस खेले और सिर्फ आठ विकें हासिल कें तीन सोलह उनकी बेस्ट कारकर्दगी थी और उनका गो के स्ट्राइक रेट बेहतर था लेकिन फी ओवर लगभग सात रन दे रहे थे और एवरेज बेहतर थी सोलह इशारिया एक दो लेकिन क्या ये इमाद वसीम जिनकी बैटिंग और बॉलिंग शानदार है ए, हसन अली तो बैटिंग में बिल्कुल फ्लाप जा रहे हैं सिर्फ बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उन्हें शामिल किया गया और शायद इंजाम को ये बात पता ना हो कि पाकिस्तान के लिए जो आखिरी क्योंकि यहाँ पर तो टी ट्वेंटी फार्मेट है ना लंका प्रीमियर लीग अगर इमाद वसीम के लिए ये शर्त है कि वनडे फार्मेट में उनकी कारदगीदगी क्या है तो फिर हसन अली की कारकर्दगी क्या है आखिरी उन्नीस वनडे मैचों में उनकी कारदगी सबके सामने है सिर्फ ग्यारह विकटें हासिल कर सके हैं और 19 में से सात मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिली है और सिर्फ दो मैचों में वो एक से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके हैं फी विकेट के लिए छप्पन से ज़्यादा रन दे रहे हैं तिरसठ गेंदे फेंक रहे हैं फी विकेट के लिए यानी कि एक मैच में एक विकेट भी नहीं बनती है उनकी क्योंकि दस ओवर्स का कोटा होता है वनडे फार्मेट में और पाकिस्तान के लिए जो आखिरी जो दूसरों के लिए शर्त है ना कि पाकिस्तान वनडे कप में या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर परफॉर्मेंस दें तो हसन अली ने जो आखिरी पाकिस्तान वनडे कप खेला था 2022-2023 में उसके छः मैचों में वो सिर्फ़ पाँच विकेट हासिल कर सके थे और किसी मैच में वो दो से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सके थे ये उनकी कारी है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की मसाले दे रहे हैं तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हो सकता है कि हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं वो मैच विनर है मैं पहले कह चुका हूँ लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हैं जब आप अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी बात को क्याल करने के लिए कह रहे हैं दूसरों को तो फिर आपको सामने हकीक़त रखना चाहिए ये बताना चाहिए कि जी मेरी पसंद ये थी वो मेरी पसंद नहीं है सीधा बोल देना चाहिए ये जवाज़ नहीं घड़ना चाहिए कि ये कारकरी दुनिया जानती है कि जो परफॉर्मेंस है वो अब ए, सोशल मीडिया का दौर है रवायती मीडिया तो है नहीं कि यहाँ पर जो आप कहेंगे वही बोला जाएगा तो इसलिए मेरे ख्याल में इंजमा लोक को चाहिए था कि इसके वाले से सही वजाहत करते और दूसरी बात यह है कि हसन अली की कारकर से ज़्यादा जो उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पर ज़ोर दिया कि वो तजर्बे के अतबार से उनको लेके जा रहे हैं तो अगर तजर्बे की बात है तो क्या मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद का तजर्बा क्या इनको आप कंपेयर कर सकते हैं सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के नए कप्तान रहे हैं गुजशत वर्ल्ड कप खेले हैं और उनकी जो बैटिंग कारकरी है वो मोहम्मद हारिस से कई गुना बेहतर है और वनडे फार्मेट में अगर रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा जा जाना ही था तो मोहम्मद हारिस के बजाय सरफराज अहमद को होना चाहिए था और मोहम्मद हारिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका ज़्यादा नहीं है टम्परामेंट ही नहीं है उनकी सात से आठ गेंदे फी इनिंग्स उनकी एवरेज है चाहे आप टी ट्वेंटी फार्मेट को देख लें चाहे आप उनके वनडे फार्मेट को देख लें तो ये उनकी कारी रही है तो उसकी बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं अगर तजर्बा यहाँ तजर्बे की बात कर रहे हैं वहाँ पर कारकर्गी की बात कर रहे हैं अगर कारदगी की बात है तो इमाद वसीम भी ज़्यादा बेहतर चॉइस थे हसन अली के मुकाबले में या फिर जमान खान तजर्बे के हिसाब से कहते हैं तो फिर तजर्बा अगर हसन अली के ऊपर लागू किया जा सकता है तो फिर सरफराज अहमद के ऊपर लागू क्यों नहीं किया जा सकता तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में बहुत बड़े ब्लंडर हुए हैं लेकिन यहाँ पर हसन अली से हम किसी हद तक उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि शायद उनकी कारी बेहतर रहे लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं जिन्हें देखें दो चीज़ें होती हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं होती है कुछ लोग ये कहते थे कि सरफराज अहमद के खिलाफ बोलता हूँ लेकिन देखें जहाँ पर जगह बनेगी जहाँ हक सच की बात होगी वो लाजमी करूँगा अगर आप उसका कंपेयर करेंगे रिजवान से तो रिजवान टू मच बेटर ट सरफराज लेकिन अगर आप हारस के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर अगर हारस की देख लें तो उसकी बुनियाद पर वाज तौर पर सरफराज अहमद आगे हैं अगर टी ट्वेंटी की बात करें तो शायद हम कह भी लें कि हारस जो है हिटिंग कर लेता है चलो खिल हो लेकिन वनडे फार्मेट में आप किस तरह भी नहीं कह सकते कि सरफराज अहमद से बेहतर चवाइस है हारस यहाँ पर मेरा सौ फीसद वोट जो है वो सरफराज अहमद के लिए है और जो हसन अली की कारकर्दगी है वो हम ये नहीं कह रहे कि वो प्लेयर ही नहीं है वो प्लेयर है मैंने पहले कहा था 2017 में उसका तोती बोल रहा था हर मैच में कोई ना कोई कारदगी बड़ी दिखा रहा था लेकिन अब 2018 के बाद से उनकी ज्यादा जवाल का शिकार है एक ऐसे प्लेयर को आप वर्ल्ड कप खिला रहे हैं जो कोई जो कि अपनी कार से लड़ रहा है जिसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है और ये चीज़ें चीफ चीज़ सेलेक्टर इंजमा को सोचना चाहिए थी लेकिन अब टीम का ऐलान हो चुका है इसके हवाले से शायक क्रिकेट ज़रूर मायूस हैं लेकिन इसके बावजूद हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ज़्यादा मायूस होने के बजाय हमें को उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की यही टीम बेहतर कारएगी लेकिन जब पाकिस्तान की टीम अल्लाह न करे ख़राब कार दिखाएगी तो सभी इस बात को याद करेंगे कि इमाद वसीम को सरफराज अहमद को जमान ख़ान को इनको बाहर रखकर बहुत बड़ी गलती की गई थी और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 में भुगत रही है लेकिन दुआ है कि हमें ये कहने का या ये सुनने का मौका ना मिले और पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर दिखाकर इस बार चैम्पियन बनकर वतन वापस लौटे